यूपी के मथुरा में बुधवार की शाम रेल हादसा हो गया। मथुरा दिल्ली रेल मार्ग पर वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी पलट गई। 27 डिब्बे पटरी से उतर गए, कई एक दूसरे पर चढ़ गए। इसके कारण मथुरा दिल्ली के बीच रेल यातायात लगभग ठप हो गया। 12 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। मथुरा दिल्ली के बीच 10:30 बजे चौथी लाइन चालू कर दी गई थी। अन्य 3 लाइनों पर रेल यातायात ठप था। सूचना मिलने पर रेलवे की राहत टीम और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच हो रही है। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी नंबर STPB झारखंड से सूरतमल थर्मल प्लांट के लिए कोयला लेकर जा रही थी। इस गाड़ी में 59 डिब्बे थे। रात करीब 7:54 पर यह गाड़ी वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन से करीब 800 मीटर आगे निकली तो गाड़ी पटरी से उतर गई। इंजन के पीछे के डिब्बे 27 डिब्बे पटरी से उतर गए। पटरी से उतरे डिब्बे अप डाउन और थर्ड लाइन पर भी गिरे। मौके पर हाल यह था कि कई डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे। गाड़ी के पटरी से उतरने से वहां तेज आवाज़ें आई। मालगाड़ी पटरी से पलटने की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत ही राहत ट्रेन मौके की ओर रवाना हो गई। रेलवे के DRM और स्टेशन डायरेक्टर मौके पर पहुंच गए। मौके पर देखा गया कि इंजन की कपलिंग टूटी हुई थी और उसके पीछे के करीब 27 डिब्बे पटरी से उतरे हुए थे। मालगाड़ी पलटने के कारण तमाम खंभे टूट गए और OHE लाइन टूट गई। डाउन ट्रैक के अलावा और कई परेशानी सामने आने दिखाई दे। DRM तेज प्रकाश अग्रवाल के अनुसार मालगाड़ी STPB कोयला लेकर सूरतगढ़ थर्मल जा रही थी। रात करीब 7:54 पर यह हादसा हुआ। मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। 3 लाइन प्रभावित हैं। चौथी लाइन से रेल यातायात सुचारू कर दिया गया है। कुछ हादसे के कारण कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया है तो कुछ रद्द की गई हैं। हादसे में कोई साजिश है या नहीं इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी हम रेल यातायात सुचारू करने में लगे हुए हैं। धन्यवाद। हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। मौके पर पुलिस प्रशासन और रेलवे प्रशासन के अधिकारी पहुंच चुके हैं। हादसा है या कोई साजिश ये तफ्तीश के बाद पता पड़ेगा, तभी कोई कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी रेलवे प्रशासन का पहला काम है रेल यातायात को सुचारू रूप से चालू करना। धन्यवाद। यदि आपको कोई रेल हादसे से जुड़ी हुई जानकारी है तो रेलवे प्रशासन और पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्दी देने की कृपा करें, जिससे सही जांच की ओर कदम बढ़ाए जा सकें।